सुपर डांसर 4 जिसमें तीन जज हैं, गीता कपूर, अनुराग बसु और शिल्पा शेट्टी, लेकिन शिल्पा शेट्टी गायब हैं जज की कुर्सी से। जैसे कि मामला जो चल रहा है राजकुंद्रा, जो कि पोर्नोग्राफी केस में फंसे हुए हैं, जिसके चलते शिल्पा शेट्टी जो कि अभी डांस रियलिटी शो में वापस नहीं आ सकती, बहुत मुश्किल हो चुका है शिल्पा शेट्टी के लिए, काफ़ी मुश्किल भरा टाइम है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से पहले करिश्मा कपूर स्पेशल एपिसोड बनाया गया, उसके बाद रितेश देशमुख और जेनिलिया डिसूजा इस बार आपको देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन शिल्पा शेट्टी कब आएंगी इस पर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। क्या वो आएंगी भी या नहीं आएंगी ये भी नहीं पता। अब आपको बता देते हैं कि ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा शेट्टी की इस शो में दोबारा ना जुड़ने की आशंका के चलते जो निर्माता हैं, जो मेकर्स हैं, उन्होंने बॉलीवुड की एक्ट्रेस रवीना टंडन को अप्रोच किया है, और रवीना टंडन ने इस अप्रोच पर कुछ कहा है। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार रवीना टंडन को लेकर ये बड़ी खबरें हैं कि उन्हें अप्रोच किया गया है कि वो आए और जज की कुर्सी का जो भार है वो संभाल लें, लेकिन रवीना टंडन ने ये और जो ऑफर है वो ठुकरा दिया। और क्यों ठुकराया? उन्होंने बोल दिया कि ये जो टीवी शो है, ये जो डांस रियलिटी शो है, ये शिल्पा शेट्टी का ही है। हालांकि उनके रिलेशनशिप टर्म्स के बारे में बात करें तो एक बड़ी खबर के मुताबिक शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं रहे, और इन दोनों के बीच में दरारें पहले ही आ चुकी थी, और उसकी जो वजह थे वो थे अक्षय कुमार। ऐसी खबरें हैं कि अक्षय कुमार की वजह से इन दोनों के बीच में दरारें आ गई थी, और रवीना टंडन जिन्होंने मना कर दिया, कि उन्होंने बोल दिया कि अब ये टीवी शो शिल्पा शेट्टी का ही है, और उन्होंने इस टीवी शो को जो ऑफर है उसे ठुकरा दिया। मतलब कौन बनेगा जज, कौन होगा, क्या शिल्पा शेट्टी शो में कब तक वापसी करेंगी इस पर अभी कोई कंफर्मेशन है नहीं, आएंगी या नहीं भी आएंगी। सो एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आखिरकार रवीना टंडन को अप्रोच किया गया है और उन्होंने इस डील को ठुकरा दिया है। क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।